Good morning, students. My name is Sarabjit Singh and I'm your English teacher. So yesterday we were discussing active passive. So today let's start it with a conceptual way. कल मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं. लेट्स रीड आउट विद द डेफिनेशन फॉर्म. एक्टिव अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड इन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन. द सब्जेक्ट एक्ट हियर. दैट मीन्स अ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हम सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं. विच वी डिफाइन एंड एक्सप्लेन द वर्क इज बींग डन बाय सब्जेक्ट. That means ये work ये subject basically करता है. That is active part. That means subject is giving या getting the priority. Fine. या ऐसे कह सकते हैं we are focusing on the subjects. हम subject पर maximum focus करते हैं. Passive. A verb in the passive voice when its form shows that the subject is not active but passive. कि सब्जेक्ट को इतना एक्टिव नहीं माना जाता है. वी आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू सब्जेक्ट या वी आर जस्ट नॉट हाईलाइटिंग द सब्जेक्ट मैक्सिममली. तो द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट रिसीव्स द एक्शन. तो हम किस पर फोकस करते हैं? उसके एक्शन पर. उसने क्या किया है? दैट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. समझ में आया आपको? एक्टिव मीन्स जस्ट लाइक वी आर गिविंग एंड एक्सप्लेनिंग सब्जेक्ट वेरी वेल. एंड इन पैसिव वॉइस वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेरी वेल. उस पे ऑब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है. ओके. सो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि अगर आप टेंसेस का इसको स्टार्ट करते हैं, टेंसेस में जस्ट लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. सो मीन्स हम एट सब टेंसेस का यूज करेंगे. एक बार देख लेते हैं कौन से हमारे एट वो सब टेंसेस थे. द फर्स्ट वन सिंपल प्रेजेंट. ओके. देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. देन प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. प्रेजेंट में हम तीन फॉर्मेशन ऐसे लेंगे. द फोर्थ वन सिंपल पास्ट. Past continuous. Past perfect. Okay. Six हो गए हमारे. Seventh one. Simple future. And eighth one. We will not take future continuous. We will take future. परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम बेसिकली यूज करेंगे. हमारे एट टेंसेस हो गए. सो कल हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट से. आज इसको कंटिन्यू करते हैं. So, first one, I told you yesterday, he attends the class means subject singular, verb plural. We will do the changes of S or ES with he, she, it, and we will do the changes of S or ES with he, she, it, or singular, and we will not do any changes with I, we, you, they,
plural subjects. Okay. So let's change into passive. The class is attended by him. आपको ये भी याद रखना है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो फॉर्मेशन क्या रहेगा. जस्ट लाइक आई विल कन्वर्ट इन टू मी, वी विल कन्वर्ट इन टू अस, यू विल कन्वर्ट इन टू यू, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इन टू देम, ही विल कन्वर्ट इन टू हिम, शी विल कन्वर्ट इन टू हर, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इन टू इट एंड एनी नेम, इफ नेम इज प्लूरल, इफ नेम इज basically male, so we will convert just like he formation him. If it is female, so we will change into her. Okay. The class is attended. आपको याद रखना है कि third form का हम हर बार passive voice में use करेंगे. And if you are using simple formation of simple present, so we will use is MR. Okay. Subject is singular, we will use is. Subject is plural, we will use R. With M, I, we will use M. I के साथ M का यूज करेंगे. नेगेटिव हमने पढ़ा था कल. सी अटेंड्स द क्लास में. ओके, माई टीचर डज नॉट गिव होमवर्क. सो माई टीचर सब्जेक्ट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब गिव वर्ब होमवर्क एंड ऑब्जेक्ट. सो वी विल टेक होमवर्क फर्स्ट. ओके, डज नॉट विल कन्वर्ट इन टू इज नॉट. Homework is not given by my teacher. Fine, my teacher will convert just like by formation, and give will convert into third form like given, and does not, I told you, will convert into is not, am not, are not. So my homework is singular, so we will take is not. Clear? Ankit does not open the door, and I will take one example of plural. They do not follow the rules. Now, look it carefully. अंकित सब्जेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय अंकित में. डज नॉट इट विल कन्वर्ट इन टू इज नॉट एम नॉट आर नॉट. बट हाउ? फर्स्टली वी विल सी द ऑब्जेक्ट. द डोर एक है तो वी विल यूज इज नॉट. द डोर इज नॉट ओपन्ड by Ankit. Clear? They, plural subject, we are using do not. ये भी आपको याद रखना है tenses के accordingly. So the rules, plural है, we will use are not. Third form of follow is followed.
आया समझ में? तो दे विल कन्वर्ट इन टू दैम, फाइन. डू नॉट विल कन्वर्ट इन टू इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. वी विल सी द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी आर यूजिंग आर नॉट. फॉलो सिंगुलर वर्ब, वी विल कन्वर्ट इन टू मीन्स थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म मीन्स फॉलो. दे विल कन्वर्ट इन टू दैम. क्लियर? Interrogative cases. Active. Interrogative means we have to use do does before. Do my friends play chess? सो यू हैव टू रिमेंबर टू पुट क्वेश्चन मार्क. और पैसिव वॉइस में भी हम ऐसी क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे. मीन्स अ फॉर्मेट इन विच वी आर हैविंग एक्टिव विल बी सेम एज द फॉर्मेट ऑफ पैसिव. फाइन. जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क का होना, वो भी हम एज इट इज रखेंगे. एंड सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इन टू ऑब्जेक्ट. ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी बट द फॉर्मेट एंड द रूल विल बी सेम, जस्ट लाइक प्रॉपर फॉर्मेशन. सी हाउ डू I told you formation. Do will convert into is MR. ठीक है, चेंज तो वही हो रहा है ना. डू डस को इज एम आर में हम चेंज कर रहे हैं. बट कैसे? फ्रेंड्स के लिए वी आर यूजिंग डू, बट चेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है. तो वी विल यूज इज बिकॉज इट इज सिंगुलर. इसका यूज किया आपने. माई फ्रेंड्स विल कन्वर्ट बाय माई फ्रेंड्स इन लास्ट. प्ले थर्ड फॉर्म. प्ले चेस सिंगुलर ऑब्जेक्ट. सो इज चेस. प्ले विद कन्वर्ट इन टू प्लेड बाय माई फ्रेंड्स. आया समझ में? प्ले विल कन्वर्ट इन टू प्लेड बाय माई फ्रेंड्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका. Does Deepak eat the food? All right. So we will use ismr in the place of do does. But how? See, food. Food is basically singular subject. Hai. So we will use is. Is Deepak eat? First form. Second form ate. Third form eaten. Is the food eaten by Deepak? So Deepak subject है, by Deepak करेंगे इसको हम. और the food हमारा basically object है, तो it will convert into is. Is the food? आया समझ में आपको? Does my gardener pluck the flowers in the garden? So, do does will convert into, as I told you, same is ever. The flowers, plural, we will use are. Okay.
are the flowers plucked, okay, where? In the garden by my gardener. Okay, so formation समझना है आपको. Doodles को हम change करेंगे SMR में. While seeing the condition of objects, plug will be converted into plugged, and the rest of the part in the garden here, and finally by gardener. Okay. Okay, I think it is sufficient for today. So, आज हमने पढ़ा है basically formation of active and passive, while simple sentences, negative, okay, and interrogative. ठीक है, I hope आप इसको समझ में आया होगा. So, कल इसको आगे continue करेंगे. ठीक है, okay, thank you.